शहर में त्योहारी सीजन और गुप्तचर संस्थाओं के फीडबैक के दृष्टिगत चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस सुरक्षा के बावजूद झपटमारों ने जलंधर कमिश्नरेट पुलिस की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए स्थानीय नामदेव चौक में दिन दिहाड़े एक वृद्ध महिला का पर्स झपट लिया और फरार हो गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसीपी सेंट्रल दलबीर सिंह बुट्टर ने बताया कि सुबह पल्सर सवार दो युवक एक वृद्ध महिला से उसका पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला के अनुसार पर्स में 90,000 रुपए की नकदी थी। बुजुर्ग महिला अपने पोते की फीस देने के लिए अपने पोते की फीस के समक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाकर वापस जा रही थी। बुजुर्ग के साथ आए उसके पोते का कहना है कि झपटमारों को उसने बैंक में भी देखा था। पुलिस बैंक की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पेश है कैमरामैन पंकज की विशेष रिपोर्ट। सारी चोरी हो गई ना, रिक्शा से आ रही थी। जब बैंक से पैसे कटा के निकले थे ऑलमोस्ट 90,000 होना सारे बैग से। तो जितना यहाँ पर निकले तो पिछला जरा क्लॉक टावर को जो चौंक है ना, तो चौंक के बोला उन्होंने बैग से सारा खींच के लै गए थे। बाइक उन्होंने पल्सर से ब्लैक कलर का, पिछले नंबर प्लेट कोई नंबर नहीं सी उन्होंने। टावर को पहुंची प्रेस क्लब को ईश्वर को चौंक पर आए चप्पल मार के पैर चुके लग गया। जाँच कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझता कि शायद वो सारा ईश्वर लगे। उसके बाद अभी अगली साल में मुझे अपने देश के बड़ी